गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गई है और मैं अपनी मेहंदी लगाने जा रही हूँ। बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। हाँ मैं भी देख रही हूँ, पर मैं मेहंदी भी लगा रही हूँ। नहीं नहीं वो लगा रहा दो। और ये भी मेहंदी लगा रही है, लग गई इसकी। तो गाइस मिलती हूँ आपसे मेहंदी लगाने के बाद। तो गाइस हमने मेहंदी लगा ली थी और अब मैं जा रही हूँ सेंटर, और बाकी तैयारी हमने आके करनी थी। तो मिलती हूँ आपसे आने के बाद। तैयारी कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। और ये महाराज बर्थडे बॉय अभी तक सो के नहीं उठे हैं, बहन के जैसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे। अपनी तैयारियों में और कुछ थोड़ा जोर से। मम्मियों की ड्यूटी किचन में ही लगती है, कोई भी काम हो, कोई भी किचन संभालो। गाइस मैं आ गई हूँ सेंटर से और अब हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो जब डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे हम तभी मिलेंगे आपसे। तो गाइस अब मैंने यहाँ से सारे बैलून निकाली और अब मैं यहाँ पर बैलून लगाऊंगी, जो कि मैंने पूरे निकाल के रख लिए हैं। तो ये सारे बैलून अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद हमें आदित्य भी लिखेंगे, वो भी चट से। तो अभी देखना कैसे करते हैं, बाकी आदि शूट करेगा, कोई काम धंधा तो है नहीं आज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टपक जाएगा? ये टपक जाएगा इसलिए लग रहा है। जिसकी मर्जी बना लो, जिसकी मर्जी कोई खीर नहीं होती। मेरे को तो दोनों ही पसंद है, मखाने की बना लेती हूँ। ओके। तो गाइस हमें एक और आइडिया सूझा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर वो करेंगे। तो अभी देखना। गाइस बताना कैसा लग रहा है, हमने आदित्य भी लगा दिया, हमने डे ऐसे लगा रहे हैं हम, बहुत सुंदर लग रहा है ये, बताना कैसा लगा। गाइस ये वाली चीज़ हो गई हमारी, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ पे। अभी यहाँ बैलून लगाने हैं, ये हो गया, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बैलून। तो चलो लगाते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर भी बैलून लगने हैं, तो वो लग चुके हैं, ये दो दो के सेट में लगे हुए हैं क्योंकि, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बताना कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा काम रहता है जो मम्मा और आशी कर रहे हैं, बाकी हर जगह लग चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बालकनी डेकोरेट करने के लिए। गाइस हमारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। तो गाइस ये रही बालकनी जो कि डेकोरेट ऑलमोस्ट हो चुकी है, और बस ये हम लोगों को सेंटर में लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद सब कुछ हो गया है। यहाँ पे भी दो दो के सेट लगाए हैं, तो अभी मैं दूर से दिखाऊंगी तो बताना। तो गाइस ये देखो दूर से पॉइंट पॉइंट पे हमने बैलून्स लगाए हैं। जब किसी के घर ना हो पंखा तो हम ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं। We are Indians, very jugari, you know? जद्दोजहद जारी है।
तो गाइस फाइनली लग गया, ये रही बालकनी। यस गाइस, ये डेकोरेशन हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं जो अंदर टेबल है ना उसको साफ वगैरह करना है, फिर उस पे ही तो केक कटेगा तो उसको भी सही करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग रेडी होंगे क्योंकि 1:30 तो बज गया है, 4 भी बजने ही वाले हैं, फिर 6 भी बज ही जाएंगे। तो गाइस ये मम्मा का आइडिया है कि बाउल में हम लोग पानी भर के अलग अलग टाइप्स के फ्लावर वगैरह फूल पत्तियाँ डाल के उसमें हम कैंडल्स रखें जिसको ये ब्लो करे केक कटिंग के टाइम, क्योंकि जो कैंडल्स होती हैं ना वो जब केक में लगती हैं ना तो वो जब पिघलती हैं ना तो वो जो मोम गिरती है केक में वो अगर हम खाते हैं तो यू नो दैट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो दैट्स वाई ये चीज़ आप कर सकते हैं, हमसे सीखते जाइए हम क्या क्या कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा और नहीं भी पता होगा तो पता लग जाएगा। और ट्रस्ट में गाइज़, ये जब जलती है ना तो बहुत सुंदर लगती है, जब इसमें कैंडल्स रख के इसको हम जलाते हैं ना। तो गाइज ये कैंडल्स रखने के बाद टेबल का भी काम हो गया, टेबल भी डेकोरेट हो गई। तो अब बस आदि महाराज डेकोरेट कर लें अपने आप को, जो बड़े बॉय हैं क्योंकि अभी उसने कपड़े नहीं डाले तो अब उसको भी डेकोरेट करता है। इतना सोच विचार के बाद, अपनी सारी हवा इस बैलून में लगाने के बाद, इतना सोचने के बाद कि कैसे कहाँ चढ़ें, ये बैलून भी फाइनली लग गया। इसी में होता है जो होता है हर एक के बर्थडे पे, पर चलो ये भी लग गया। गाइस अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, मैं और आशी, आदि तो रेडी हो चुका है और अपना बैठा हुआ है, और मैं और आशी अब रेडी होने जा रहे हैं। मम्मा पापा गए केक और बाकी सामान लेने। बैलून नीचे चला गया, हवा चल रही है ना इसलिए। चलो गाइस मम्मा पापा भी जा रहे हैं और उसके बाद हम तैयार होंगे। बाय 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 गाइस, गए मम्मी पापा और अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होने, तो मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मैंने पहना है और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। मेकअप वगैरह मैंने करना नहीं है, आईलाइनर लगाऊंगी बस, और आशी रेडी हो रही है और आदि तो रेडी था। मम्मी पापा अभी आए नहीं है, 6 बजे का टाइम था, 6 बजने वाले हैं और अभी तो है आधा घंटा, और पापा मम्मी उतनी देर में आ जाएंगे, फिर जब अब बच्चे आएंगे ना हम तब मिलते हैं आपसे, बाय। तो गाइस मैंने मेकअप भी कर लिया है, और उसके पहले मैंने सोचा मैं दिखा दूं कि मैंने मेकअप कर लिया है। मैं भूत लग रही थी, मैंने वीडियो बनाया था, मैं भूत नहीं लग रही थी, वीडियो में देख लेना, कमेंट करके बताना। मिलती हूँ गाइस जब बच्चे आ जाएंगे, वरना मेरी बेइज्जती करता रहेगा। गाइज मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरा ओवरऑल लुक। तो दीद ने तो आपको कहा था कि हम जब बच्चे आ जाएंगे तब मिलेंगे, तो मैंने आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो अब जब बच्चे आ जाएंगे तब मिलेंगे। ओके बाय। तो गाइज बच्चे आने शुरू हो गए, आदि के फ्रेंड्स। गाइज अब मम्मा आने वाली हैं, वो आ जाएं उसके बाद मिलते हैं, बच्चे तो आने लग गए हैं और थोड़े आएंगे अभी। गाइज मम्मी आ गई, साथ में केक भी आ गया, सब कुछ आ गया, कालू भी आ गया। गाइस केक आ चुका है। गाइस थोड़ा फर्नीचर भी लेना था, वो भी आ गया। गाइस कुर्सियां भी आ चुकी हैं। आशी
गाइस तो यहाँ चल रही है इनकी रिकॉर्डिंग जो कि आप देखना हमारे शॉर्ट चैनल पर। गाइस अब हम लोग चेंज करके जाएंगे खाना खाने और बाकी सब तो हो गया है, तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज समय ब्लॉग्स। मिलते हैं गाइस जल्द नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।